फ्रेंड, जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ने लगता है, हम अपने घरों के लिए एसी और कूलर की तलाश करने लगते हैं। और गर्मी ज़्यादा होने के कारण कभी कभी हम गलत फैसले भी ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है और हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो गलत प्रोडक्ट है और ये हमारे काम का नहीं है। तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है और इसमें कुछ हाथ तो दुकानदारों का भी होता है, जो कभी कभी कुछ पैसों के लिए आपको गलत जानकारी देते हैं और जो अपने पास पड़ा हुआ प्रोडक्ट है उसको बेचने के चक्कर में आपको गलत प्रोडक्ट दे देते हैं और उसको आप खरीद के घर लाते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने एसी कूलर खरीदा नहीं है तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आप एक बेहतर विकल्प की तरफ जाएंगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। सो फ्रेंड नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एमजी टेक हिंदी। सो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूं एक रूम एसी के बारे में, जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा, जिसके बारे में प्रो और कॉन्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कैरियर कंपनी बहुत बड़ी है जो छोटे यूट्यूबरों को स्पॉन्सरशिप देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो फ्रेंड, पहले ही समझ लीजिए जो मेरा ओपिनियन होगा एकदम ट्रू होगा और आपके फायदे के लिए होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड, चलिए पहले हम इस एसी का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं और पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद से हम बात करेंगे कि इस एसी की खासियत क्या है, प्रो और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे कि आपको अपने घरों के लिए एसी सही रहेगा या फिर आपको कूलर ले लेना चाहिए, और जो एसी आप लगवा रहे हैं उसमें आपको कितना यूनिट खर्च होगा, अगर पूरी रात आप चलाते हैं तो आपको कितने यूनिट एक रात में खर्च हो जाएगा, और इसके सारे फंक्शनलिटी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ये जो एसी है कैरियर कंपनी की तरफ से आया है, इसकी बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इस तरह से है और साइड में आपको कुछ इसके डिटेल बारे में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। इसमें सारा डिटेल है जो एसी में दिया गया है। नीचे वाला जो आउटडोर बॉक्स है काफ़ी बल्कि है, देखने से ही लग रहा है, लेकिन सही है। ये दो इंजीनियर हमारे आए हैं जो कैरियर कंपनी की तरफ से आए हैं इंस्टॉलेशन के लिए, और ये इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ अपना जितने भी औजार वगैरह हैं सब निकाल लिए हैं लोग, ये कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं, दोनों लोग अपना काम कर रहे हैं। और मैं एसी यहाँ पे फिट करवाऊंगा, तो ये लोकेशन है मेरा एसी फिट करवाने का। और ये लोग जो भी दो इंजीनियर आपको जो देख रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे ड्रिल वगैरह हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये इसी पे जो आपका इंडोर यूनिट होता है इसी पे हैंग किया जाता है, तो सबसे पहले इसको ड्रिल करके वहाँ पर फिक्स करना पड़ता है। और ये देखिए, ये जो ड्रिलिंग के बाद से सारा कुछ हो गया है, ये आउटडोर के लिए हो रहा है। ये आउटडोर के लिए आप यहाँ पे देखो स्टैंड लगा है, और ये जो इंडोर से जो इसकी पाइप है वो निकल गया है। ये पूरा सेटअप हो गया है हमारा, आप देख सकते हैं इस तरह का। नीचे हम सेटअप करवाने की कोशिश कर रहे थे बट वहाँ पे नहीं हो पाया, तो इसको थोड़ा सा हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ा, इसको बाद में फिक्स करवाना पड़ेगा। तो ये बाहर का जो यूनिट है आप इसको देख लीजिए, वैसे काफ़ी बल्कि है लेकिन बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो सारा फिनिशिंग है इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं लग रही है, सारा कुछ अच्छे से इन्होंने फिट किया है। इसका रिमोट है, रिमोट काफ़ी इजी है चलाने के लिए, और इसमें आपको दो पेंसिल वाली बैटरी लगेगी जिसको आप इस लगाना पड़ेगा, आपको ख़रीद के रखना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से दो बैटरी नहीं आती है, तो सबसे पहले आप दो बैटरी ख़रीद लीजिएगा। और देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका रिमोट का डिज़ाइन है। सो फ्रेंड, इंस्टॉलेशन के बाद बात करते हैं इस एसी के बारे में। सो फ्रेंड, ये जो एसी है कैरियर कंपनी की तरफ से आता है, 1.2 टन का है, और अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से कम है तो इसको डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। सो फ्रेंड, इसके प्रो और कॉन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं इसके प्रो के बारे में बात करता हूं। सो फ्रेंड, ये जो एसी है 1.2 टन की है, लेकिन इसमें जो खासियत है पूरी भर भर के है। सो फ्रेंड, ये जो 1.2 टन का होने के बावजूद भी आपके जो रूम को विद इन अ 5 मिनट आपके पूरे रूम को चिल कर देगा, और सबसे बड़ी बात है जो एनर्जी एफिशिएंट है। अगर आप इसको पूरी रात चलाते हो, अगर आप पूरी रात मतलब कि 8 से 10 घंटे चलाते हो, तो आपका जो टोटल यूनिट कंजम्पशन होगा वो 2.5 से 3 यूनिट होगा, मैक्सिमम 3 यूनिट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद से बात करें, थर्ड नंबर की बात करें तो जो इसकी सर्विस आती है। सो फ्रेंड,
इसकी जो सर्विस है डिसेंसर सर्विस है, जब मुझे प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ था तो मुझे कंपनी की तरफ से भी कॉल आया था और फ्लिपकार्ट की तरफ से भी कॉल आया था इंस्टॉलेशन के लिए भी, और मेरा जो इंस्टॉलेशन था वो सेम डे में हो गया था। जिसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं NCR में रहता हूँ तो यहाँ पर सर्विस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और जो फ्रेंड फोर्थ नंबर की जो बात करें तो जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है वो 3900 वाट का है, जो प्रोडक्ट पे भी मेंशन है, मतलब 1.2 टन का ये जो एसी है फुली उतना ही का ही है जितना इसका मेंशन किया गया है। सो फ्रेंड पांचवें नंबर की बात करें तो जो इसमें रिमोट कंट्रोल दिया गया है उसमें बैक लाइट भी आपको मिलता है। अगर आप रात में सारा आज अपने घर का लाइट ऑफ कर रखे हो फिर भी आप उस रिमोट को यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें आपको इनबिल्ट लाइट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद से बात करें छठे नंबर की तो डिस्प्ले इंडिकेटर जो है, जो एसी में एक इनविजिबल डिस्प्ले लगा है, आप चाहो तो उसको अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है रात में तो उसको ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। सो फ्रेंड जो सातवें नंबर की बात करें इसके प्रो के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये परफेक्ट है अगर आपका एक रूम की साइज 150 स्क्वायर फीट से कम है तो उसके लिए परफेक्ट है, आप 1.5 टन को छोड़ के 1.2 टन के साथ जा सकते हैं। और फ्रेंड जो आठवें नंबर की बात करें जो बहुत बड़ा फीचर है इसका जो है स्लीप मोड का। सो फ्रेंड अगर आप रात में 12 बजे 11 बजे 10 बजे अगर आपका सोने का टाइम है और उस समय आप स्लीप मोड में इसको ऑन कर देते हैं स्लीप मोड में तो ये क्या करता है कि आपके अनुसार आपके कमरे के इन्वायरमेंट के अनुसार ये अपने टेम्परेचर को ऊपर नीचे अपने आप करता रहता है। सो फ्रेंड होता ये है कि जब भी हम सोने जाते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ठंड की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय तो हम क्या करते हैं कि अपने जो एसी है उसको 25-26 पे सेट कर देते हैं, लेकिन 2-3 घंटे बाद वो हमारे लिए दिक्कत होने लगता है। लेकिन अगर आप स्लीप मोड में लगा के सो रहे हैं तो एसी ऑटोमेटिक आपके टेम्परेचर को डिटेक्ट करके और एसी के जो टेम्परेचर है उसको कम और ज़्यादा करता रहता है। सो डेफिनेटली दोस्तों अगर ये ज़्यादा अगर टेम्परेचर करता है तो वहाँ पे एनर्जी सेविंग होती है और अपने अनुसार कम करेगा तो रात में पूरी रात में अगर आप इसको 10 घंटे 8 घंटे चलाते हो तो 2.5 से 3 यूनिट बिजली खर्च होती है। उसके बाद से फ्रेंड अगर हम बात करें 9वें नंबर के जो इसके प्रो के बारे में तो इसका नॉइज़ है बहुत कम है, बहुत अगर आप एक बिल्कुल साइलेंट इन्वायरमेंट में है तभी आप इसको नोटिस कर पाएंगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल इन्वायरमेंट की बात करें तो बिल्कुल आपको नोटिस नहीं होगा कि आपके रूम में एसी चल रहा है। सो फ्रेंड जो 10वें नंबर की बात करें तो इसमें HD फिल्टर PM2.5 का जो एक फंक्शन है जो आपके अंदर जो हवा आ रहा है उसको फिल्टर करके देता है जिससे कि आपको ब्रीथिंग में भी हेल्प मिलता है। सो फ्रेंड अगर 11 नंबर की बात करें तो इसमें जो इसकी जो सर्विस है आपको फर्स्ट वन ईयर आपको 3 सर्विस विजिट मिलता है, मतलब 3 विजिट आपको फ्री देता है कैरियर, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको विद इन 1 ईयर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। देखो फ्रेंड जब भी हम नया प्रोडक्ट लेते हैं ना तो जो प्रॉब्लम होनी होती है शुरू के 2-3 मंथ में ही हो जाती है, नहीं तो अगर आपका प्रोडक्ट चल गया तो वो बहुत दिन तक चलता है। सो फर्स्ट 1 ईयर आपको इसमें 3 सर्विस फ्री मिलेगी। उसके बाद से अगर हम बात करें 12 नंबर प्रो के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंड बहुत सारे हमने प्रो के बारे में बात कर लिया है। सो एक कन्वर्टेबल एसी है, जो इसका रिमोट है उस पर आपको 3 कंट्रोल मिल जाएगा कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद से सो फ्रेंड 13 नंबर की हम बात करें इसके प्रो के बारे में तो इसमें ऑटो रिस्टार्ट मोड है, अगर आपके इलाके में अगर बिजली चली जाती है और उसके बाद से दोबारा बिजली आती है तो आपको उठ के इसको चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपको जिस मोड में रहेगा उसी मोड में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और जिस मोड में आपने सेट कर रखा होगा अपने एसी को उसी मोड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड हमने बहुत सारे इसके प्रो के बारे में बात किया, अब चले थोड़ा सा लगे हाथ इसको कॉन्स के बारे में भी बात कर लें। सो फ्रेंड मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्स की नज़र नहीं आया, फिर भी मैं अगर कॉन्स की बात करूँ तो जो इसका जो आउटडोर यूनिट है वो काफ़ी बल्की है। आपने जो मैंने इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाया था उसमें आपने देखा भी होगा जो इसका आउटडोर का जो यूनिट है काफ़ी बल्की है, लेकिन उस मतलब उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो आउटडोर यूनिट होता है वो हम बाहर कहीं लगाते हैं या फिर छतों पे लगाते हैं या फिर अपने वॉल पे उसको लगाते हैं। सो फ्रेंड इतने सारे इसके प्रो हैं और बहुत माइनर सा इसका कौन से और जो इसकी प्राइस है
फ्रेंड अब अगर आप अभी देखेंगे फ्लिपकार्ट पे तो इसका जो प्राइस आपको मिलेगा 37 से 38 हज़ार का मिलेगा, लेकिन मैंने इसको ऑफर में 32.5 हज़ार के आसपास में मैंने इसको ख़रीदा था, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड अब बात करते हैं आपको कूलर लेना चाहिए कि एसी लेना चाहिए। सो फ्रेंड अगर मैं कूलर की बात करूँ तो कूलर एक जो एवरेज कूलर होते हैं जो मीडियम या फिर लार्ज कैटेगरी में आप जाओगे तो एक एवरेज कूलर आपको 3 से 4 घंटे में एक यूनिट बिजली खर्च करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका फुल नाइट का जो एनर्जी कंजम्पशन है जो आपके यूनिट कंजम्पशन करता है, अगर आप इसको 8 से 10 घंटा रन करते हैं तो आपका जो यूनिट है वो 2.5 से 3 यूनिट खर्च होता है। सो फ्रेंड अगर 4 घंटे में एक यूनिट अगर आपका कूलर ले रहा है और वही चीज़ सेम आपका एसी भी ले रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एसी की तरफ जाएं, क्योंकि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन इसके साथ और भी एडवांटेज है। अगर आप एक एसी लेते हो तो उसकी 10 साल की सर्विस मिलती है, और आप एक कूलर लेते हैं तो कूलर अगर आप ज़्यादा चलाते हैं तो 2 से 3 साल में एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा, और फिर से आपको अगर 8-10 हज़ार का आपका कूलर है तो फिर से 8-10 हज़ार रुपया लगाना पड़ेगा। तो अगर आप 10 साल की बात करो तो उस 10 साल में आप 2-3 बार अपना कूलर चेंज कर देंगे। तो मैं तो यही प्रीफर करूँगा फ्रेंड कि एक कूलर की तरफ जाने से अच्छा है कि आप एसी लीजिए, आपको पानी भरने से भी छुटकारा मिल जाएगा और आपको जो चिपचिपी वाली जब गर्मी आती है ना उस समय एसी ही आपके काम में आता है, कूलर तो भूल ही जाइए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपका बजट अफोर्ड कर सकता है तो आप एसी खरीदिए, लेकिन एसी खरीदने में जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेनी चाहिए, सबसे लेटेस्ट मॉडल हो। अगर आप अभी की बात करें 2022 में है तो आप 2022 मॉडल लीजिएगा, और आप अपने जो रूम की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार आपको जो उसका टन है वो लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका रूम छोटा है और आप वहाँ पे 2 टन खरीद रहे हैं, 1.5 टन खरीद रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। मेरा रूम का जो साइज़ है 12x12 का है तो उस हिसाब से मैंने 1.2 टन लिया है, बहुत अच्छा है, मतलब मैं कहूँ कि 1.2 मेरे रूम के लिए सफिशियंट है, इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है। सो फ्रेंड यही कुछ है जो आपको एसी या फिर कूलर खरीदने में आपको हेल्प कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सारे डाउट जो थे जो मैं उसको क्लियर कर पाया हूँ। फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ और भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।